हेलो। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइनक्राफ्ट के लिए एक स्टार्टर बेस बनाना सिखाने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है एंड साइड और इसके दो ब्लॉक आपको लगाने कुछ इस तरीके से। ऐसा आपको दो ब्लॉक छोड़ के चारों साइड पे करना है। तो फटाफट इसको कर लेता हूँ फटाफट। सो देखो, मैंने चारों साइड पे दो दो ब्लॉक की हाइट दे दी और इसका लुक जो है ऊपर से कुछ ऐसा आ रहा है। सो गाइस, ऊपर की तरफ जो लगने वाला वो है एंड साइड का स्लैब, कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। देखो, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ तो आपको ऐसा चारों साइड पे कवर कर देना है इसको फटाफट से। मैं कर देता हूँ उसको। सो ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर ऊपर से भी कवर कर दिया। नीचे यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप है जहाँ पर हम यहाँ पर वापस स्लैब लगाने वाले थे। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऊपर खुला हुआ है, तो यहाँ पर काम होता है स्लैब लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये एक दो तीन और ये चार लग चुके हैं एंड ये ऊपर से भी कवर हो चुका है। देन आपको लेना है यहाँ पर मड ब्लॉक और इसको चारों साइड पर कुछ इस तरीके से लगाना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। एंड एक मिनट, एक यहाँ पर लगेगा और इसके ऊपर लगेगा कुछ इस तरीके से और कुछ ऐसा लुक आएगा अभी। फिर एंड साइड की स्लैब लेके यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देना इसको, कुछ एक यहाँ पर फिल कर देना एंड एक यहाँ पर लगा इसके कुछ यहाँ पर एक साइड पे इस तरीके से लगाना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी घर के अंदर भी सामान लगा देता है। तो जहाँ पर लगेगा अपना एक बेड, इसके सामने लगेगा एक क्राफ्टिंग टेबल कुछ इस तरीके से एंड इसके ऊपर लगेगा एक नेस कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर अंदर का काम ख़त्म। और बाहर के साइड लगेगा अपना स्प्रूस का डोर। सो अभी लेन तो मैं एंड साइड की स्लैब वापस और यहाँ पर कुछ सामने की तरफ कुछ इस तरीके से चार स्लैब ऐसे लगानी है। फिर लेनी आपको एंड साइड की वॉल और इसको साइड में कुछ इस तरीके से लगा देना है, कुछ एक मिनट के बीच में कहा रहा है और कुछ इस तरीके से और कुछ ऐसी लुक आएगी। एंड गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड गाइस, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी माइनक्राफ्ट वीडियोज़ के लिए। एंड बाय, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।